हेलो एवरीवन, आज हम क्वालिटी लैब के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकार्ट एपरेटस। तो ये है आपके सामने विकार्ट एपरेटस। विकार्ट एपरेटस का जो मॉडल तैयार किया था सबसे पहले, वो किया था लुईस विकार्ट ने। तो इन्हीं के नाम से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम हुआ विकार्ट एपरेटस। विकार्ट एपरेटस हमारा अकेला 3 टेस्ट कर सकता है। पहला कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, दूसरा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तीसरा फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इन तीनों में सबसे पहले जो किया जाता है वो है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो हम जानेंगे कि इसके किस पार्ट का क्या नाम है और इसके साथ हम क्या क्या एसेसरीज यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसे फ्रेम बोलते हैं हम। ये इसका बेस है, ये हमारा मूवेबल वर्टिकल रॉड है, ये आप देख लीजिएगा। इसका वेट ऑलमोस्ट 300 ग्राम होता है हमारा। ये है इसका कैप, इसका हमारा डाया रहता है 60 mm। ये है हमारा ग्रेजुएटेड स्केल। जब हम टेस्ट करते हैं तो हम यहीं पर रीडिंग रीड करते हैं इस पॉइंटर की हेल्प से। अब इसके साथ हम दो मोल्ड यूज़ करते हैं, ये बड़ा वाला है, ये है छोटा वाला। दोनों की डेप्थ सेम है, ये आप देख लीजिएगा, दोनों की डेप्थ सेम है, जो हमारी होती है 40 mm। लेकिन दोनों के डाया, ये टॉप और ये बॉटम, ये दोनों के डिफर होते हैं। तो हम पहले जानते हैं छोटे वाले का। छोटे वाले का जो हमारे नीचे का डाया रहता है वो रहता है 70 mm, टॉप का डाया हमारा रहता है 60 mm। अब हम बात करेंगे इसकी, ये नीचे का डाया रहता है 80 mm और टॉप का डाया रहता है 70 mm। तो ये साइज़ हैं, ये आपको याद रखने हैं, आपसे कोई भी इंटरव्यू के दौरान पुट कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके साथ और क्या क्या एसेसरीज यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के लिए। हर टेस्ट के लिए हमारी अलग एसेसरी यूज़ की जाती है। तो ये है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, इसे बोलते हैं प्लंजर। याद रख लीजिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं और उसकी डायमेंशन क्या है। तो हम प्लंजर यूज़ करते हैं, जिसकी डायमेंशन हमारा 50 mm डेप्थ होती है और 10 mm इसकी डाया होता है। तो इसको आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें, कोई भी आपसे कहीं भी पूछ सकता है किसी भी इंटरव्यू में। अब हम बात करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम कौन सी नीडल का यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो नीडल यूज़ की जाती है, इसका डायमीटर हमारा 1 mm² होता है। इसकी जो हमारी डेप्थ रहती है वो रहती है 50 mm और इसको हम इस तरीके से यहाँ फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करके हम जो भी हमें दोनों साइज में कोई भी मोल्ड हम लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम की। ये इसे हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं कॉलर। ये जो सामने का सेक्शन है आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, ये देख लीजिएगा सर्कुलर सेक्शन है। इसका हमारा डायमीटर रहता है 5 mm, 5 mm डायमीटर है। और इस डायमीटर से आगे थोड़ा सा इस निडल का पार्ट प्रोजेक्टेड होता है, जो हमारा 0.5 mm होता है। ये थोड़ा सा जो निकला हुआ है पार्ट कितना है, 0.5 mm। और इसके अंदर हमारा एक होल होता है, इसे हम एयर वेंट बोलते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसका भी डाया हमारा 0.5 mm होता है, मतलब आधा mm। ये जो आप ब्लैक देख रहे हो ये एयर वेंट है। जब हम इससे टेस्ट करते हैं तो एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर रहना चाहिए। और इसकी यहाँ से जो यहाँ तक डेप्थ है हमारी वो होती है 6.4 mm, ये 6.4 mm डेप्थ होती है। तो ये है हमारा कॉलर। तो ये तीन एसेसरीज हमारे डिफरेंट टेस्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये था आज डेमोस्ट्रेशन विकार्ट एपरेटस का, जो 3 टेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।